about the brand CK Birla Group and Birla Fertility and Ideal. अगर हम इस समय बात करें fertility related problems की, all over world these problems are increasing. India में भी करीब 28 million couples हैं who are having fertility related problems. पर होता क्या है कि इतने सारा इतना हमारे पास लोड है फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम का, बट दे डू नॉट, कारण क्या है? एक तो हम जनता में अवेयरनेस बहुत कम है, और दूसरे रिलायबल ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक्सेसिबल. मेरा नाम डॉक्टर विनीता दास है. मैं बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एज ए कंसल्टेंट एंड एडवाइजर हूँ. मैं इस समय लखनऊ सेंटर में एज ए सेंटर हेड की तरह काम कर रहा हूँ. जैसा कि मैडम आपने बताया कि भारत में 2.8 करोड़ दंपत्ति प्रजाजन की समस्या से जूझ रहा है, तो आप कैसे प्रचार कराएंगे या कैसे लोग आपके पास आएंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि करीब 28 मिलियन कपल्स हैं जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट कराने की, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुतों में है लेकिन वो आगे निकल के नहीं आते. खाली 1% कपल्स हैं जो कि ट्रीटमेंट सीख करने के लिए आते हैं. सो हमें, हमारा आप सभी से अनुरोध है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है अवेयरनेस क्रिएट कराने में, कि बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत ही रिलायबल, ट्रस्टवर्दी केयर प्रोवाइड करता है उन दंपतियों को जिनको संतान की चाह है और जो किसी वजह से जिनमें संतान नहीं हो पा रही है. हम बहुत ही कंपैशनेट केयर के साथ उनको ट्रस्टवर्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स बहुत ही हाईली ट्रेन्ड. नॉट ओनली डॉक्टर्स, हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं. हमारे पास काउंसलर्स, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सभी बहुत हाईली ट्रेंड पूरा स्टाफ है, और हम सब तरह की उनको बहुत ही हाईली वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. कपल्स को हमारे सेंटर पर आके कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी अस्पताल में गए हैं, बल्कि उनको एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा. हमारी सारी टीम इस हर स्टेप पे उनके साथ पूरे कंपैशन के साथ केयर प्रोवाइड करने में लगी है. जैसा कि मैडम आपने बताया कि वाराणसी नहीं बल्कि आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, भदोही, गाजीपुर, अन्य जिलों से लोग कैसे आएंगे? वाराणसी के चारों तरफ ये जितने ज़िले हैं जिनकी अभी आपने बात करी, ये सब सबको मालूम है कि वाराणसी एक बहुत बड़ा शहर है. यहाँ पर हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है. तो जितने भी, जब छोटे शहरों से और सराउंडिंग एरिया से लोग आते हैं तो हमेशा बड़े शहर की तरफ जाते हैं. उनको पूरी उम्मीद होती है कि उस बड़े शहर में उनको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा. क्या ये पूर्वांचल का प्रथम भी होगा आपका? हम यूपी में हमने अपने नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका मिश्रा, कंसल्टेंट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी. मैम, बात की जाए तो कितनी सुविधाएं बिरला फर्टिलिटी दे पाएगी कस्टमरों को? देखिए, बिरला फर्टिलिटी प्रतिबद्ध है एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ इनफर्टिलिटी सर्विसेज देने के लिए, जिसमें कि हम अपने सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल हार्मोनल ट्रीटमेंट एज वेल एज द टेस्टिकुलर बायोप्सी, पीसा, टीसा, स्पर्म रिट्रीवल एज वेल एज स्पर्म फ्रीजिंग. फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो अगर मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर डिपेंड करता है अगर ट्यूबल पेटेंसी नहीं है देन HSG, सर्वोसाल्पिंगोग्राफी उसको चेक करते हैं, हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है तो वो भी करते हैं, IVF, IUI, ICSI, MC एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज लाइक PGS एंड PGD हम ये भी करते हैं. मैम, बात की जाए तो ये 2 साल जिस समय एक पेंडेमिक आया, कोविड पेंडेमिक आया, क्या उसके बाद से ऐसे केसेस आमतौर पर देखे जा रहे हैं? इनफर्टिलिटी की बात करें तो
पहले भी केसेस थे ही, और अभी कोविड पैंडमिक से एक इफेक्ट तो पड़ा है। स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुई है।